ओहो रेडियो पर आनंदम प्रेजेंट्स गाता रहे मेरा हिल, गाता रहे मेरा हिल। मुलाकात ऐसी म्यूजिक की वजह से हुई। वैसे मेरे जूनियर रहे हैं क्लास में। मैं पॉलिटेक्निक में गया तो 8 सब्जेक्ट होते थे, 8 में से 6 में फेल हो गया तो बस। फिर मैं वापिस आ गया। लेकिन आज की डेट में ऐसा 10% तो मेरे को आता है पॉलिटेक्निक। आप कुछ बनवा लो मुझसे, दो सब्जेक्ट में पास हुआ आदमी 10% की गारंटी दे दे रहा, मतलब खतरनाक बात है। उसके बाद फिर मैंने संगीत शिक्षा आरंभ कर। एक ये भी हमारा मानना था कि हम इसको एकेडमिक तौर पर जोड़े, चाहे वो चैती परंपरा हो, उसके जो भी गीत हिट हुए हैं चैती परंपरा, वो रिसर्च के ही वजह से हुए हैं। तेरी सूरत मन में बसी गए छोरा मोहना। दोनों ने बढ़िया गाया, तालियां पड़ी। आखिरी में आके मैडम के पास दो चार लोग आ गए, बोले मैडम आपने क्या गाया। और आपको लगाओ मैं भी तो यहीं था। 80% ऐसे ही होता है। तो उस दिन घर जाके आप रोटी कम खाते हैं या दो चार एक्स्ट्रा बनवाते हैं? नहीं नहीं, रोटी तो वही बनाते। हम तो हैं परदेश में, देश में निकला हो स्टाइल पार्टनर कैप्सन्स राजपुर रोड जाखंड देहरादून। देखिए हर शनिवार रात 9 बजे से उत्तर का पुत्र और आनंदम के यूट्यूब चैनल पर। तो शनिवार की रात को 9 बजते ही आप अपने अपने मोबाइल फोन पे और टेलीविजन पे जुड़ जाते हैं और टीवी शो देखने के लिए नहीं बल्कि गाता रहे मेरा हिल ये म्यूजिकल शो देखने के लिए। जी हाँ, ओहो रेडियो पर नमस्कार, मैं हूँ आरजे काव्य और ये है आनंदम प्रेजेंट्स गाता रहे मेरा हिल। तो नवरात्र चल रहे हैं और आज जो जोड़ी यहाँ पे आई हुई है, दोनों जो हैं संगीत और शिक्षा दोनों के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं और कमाल के गायक हैं, बहुत ही कमाल के कलाकार हैं। जब मंच पे गाते हैं तो बहुत बढ़िया तरीके से परफॉर्म करते हैं, जो हमारे मांगलिक गीत हों वहाँ से लेके जो हमारे पौराणिक गीत हैं वहाँ तक, उसके अलावा जो त्यौहार हैं, पर्व हैं, लोक पर्व, उन पर भी उनके बहुत सारे गाने आपको सुनने देखने को मिलते हैं। तो लता जी और संजय जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में जिसका नाम है गाता रहे मेरा हिल है। और आप तो हिल वाले ही हुए, हिल में ही रहने वाले हुए हैं। तो पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में और बहुत धन्यवाद। मैं बधाई देता हूँ कि जब जब मैं कभी सेलफोन खोलता हूँ मोबाइल और उस पर आप दोनों हारमोनियम और ऐसे ही और दोनों बच्चों के साथ में कई बार दिख जाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। तो श्रीनगर गढ़वाल में इस बीच आप रहते हैं, पहले वैसे कुमाऊं के रहने वाले, लेकिन अब श्रीनगर में कब से हैं आप लोग? मुझे तो 15 साल हो गए। अच्छा। और मुझे 25 से 30 साल के बीच 25 से 30 साल हो गए, वहीं पढ़ाई लिखाई और सब कुछ वहीं हुआ। अच्छा। हाँ जी। तो और मुलाकात कैसे हुई दोनों की? इनसे पूछे ज्यादा अच्छे बताएंगे। अच्छा बताते हैं। मुलाकात ऐसी म्यूजिक की वजह से हुई। वैसे मेरे जूनियर रहे हैं क्लास में। कि पॉलिटे पहले साइंस स्ट्रीम के बच्चे थे ना। फिर मेरा बीच में पॉलिटेक्निक में था। अच्छा। फिर मैं जब पॉलिटेक्निक में गया तो मेरा पॉलिटेक्निक से बिल्कुल मतलब, क्योंकि मैं पहले से ही संगीत में रुचि थी, तो पहले ये होता था कि पॉलिटेक्निक आईटीआई घर के लोग कहते थे करो, क्योंकि संगीत को ज़्यादा मतलब वो नहीं करते थे। तो फिर मैं पॉलिटेक्निक में गया तो मैं वहाँ फेल हो गया। तो 8 सब्जेक्ट होते थे, 8 में से 6 में फेल हो गया तो बस। हाँ, फिर मैं वापस आ गया। क्योंकि जाना संगीत की राह में था। तो उसके बाद फिर मैंने संगीत शिक्षा आरंभ कर ली। तो मैं फाइनल की थी, फिर जब मैंने एमए किया वहाँ से, फिर नैनीताल यूनिवर्सिटी में पढ़ाया मैंने, फिर वहीं से मेरी पीएचडी हुई और उसी बीच मेरा अपॉइंटमेंट श्रीनगर हो गया। तो प्रोग्राम्स वगैरह चलते थे डिपार्टमेंटली, तो बहुत सारे लड़के ढूंढे उन्होंने मेरे लिए। होता है अपने क्षेत्र के तो सब लोग ढूंढते थे शुरू। अच्छा, आपने इनके लिए ढूंढे पहले? हाँ, शुरू में ढूंढे, क्योंकि मुझे लगा कोई हमारे क्षेत्र, क्योंकि मैं तो पहले से वहाँ रहता था। मुझे लगा हमारे क्षेत्र की कोई लड़की आई है, तो मैंने कहा अच्छा मतलब लड़की से नहीं पूछा जा रहा था, पर सब लोग ढूंढने में लगे हुए थे। पर फिर धीरे धीरे ऐसा तो नहीं इनकी ये ट्रिक हो कि उन्होंने कहा बेकार बेकार लड़के दिखाओ और उसके बाद में जो है खुद को प्रेजेंट कर दो। अब इनकी ट्रिक ये जाने पर ईश्वर को यही मंजूर था तो हमारा साथ हो गया। लड़की लड़के दिखाते दिखाते आपने मतलब नहीं, 5 साल मैंने जॉब करी वहाँ पर। हाँ। तो इतने गैप के बाद मतलब 10 साल मेरी शादी को हुए हैं। हाँ। तो 5 साल तक तो मैं जॉब करती थी। फिर हमारे यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में इन्होंने एडमिशन लिया फोक डिप्लोमा में, एक डिप्लोमा हमारे यहाँ चलता है अभी भी चलता है।
तो उसमें म्यूजिक गायन में उन्होंने डिप्लोमा लिया। अच्छा। तो फिर ये साथ साथ फिर प्रोग्राम और ये सब चीज़ें पढ़ाई लिखाई। हाँ। तो पढ़ाई लिखाई धीरे धीरे फिर वो आगे शादी में बदल गई। क्या बात। अब हम दो हमारे दो हो गए। इनके जो दो हैं वो भी बड़े कमाल के, उनको अभी हम बुलाएंगे। लेकिन उससे पहले, क्योंकि नवरात्रों का समय है, तो मैं चाहता हूँ कि आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत अगर कुछ इसी तरह के गीत भजन के साथ हो जाए। जय हे गौरा, जय शिव शंकर, जय हे मानंदा, तेरी खुट्यों मा माथु नवोंदा, तेरी खुट्यों माथु नवोंदा, तेरी जय जय गांदा, तेरी जय आदि शक्ति गौरा भवानी, जय नंदा आदि शक्ति गौरा भवानी, जय भगवती हमारा की कृपा सदानी, जय भगवती हमारा की कृपा सदानी, जय नंदा आदि शक्ति गौरा भवानी, जय नंदा आदि शक्ति गौरा भवानी। गड़कुमों की ढाण तू रचिपाले, तुए बगैर कारज की होंद निसफले, गड़कुमों की ढाण तू हमरी रचिपाले, तुए बगैर कारज की होंद निसफले, तुई छे माँ बहन बेटी कुल देवी तुई छे, सभी में क्या झाड़ियों माँ तेरी छवि बसीचे, जय नंदा आदि शक्ति गौरा भवानी, जय नंदा आदि शक्ति गौरा भवानी, जय भगवती हमारा की कृपा सदानी, जय भगवती हमारा की कृपा सदानी, जय नंदा आदि शक्ति गौरा भवानी, जय नंदा आदि शक्ति गौरा भवानी। वाह, जय नंदा वाह गौरा भवानी, क्या बात है, बहुत ही जबरदस्त। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जो माता रानी को इस वक्त पे याद कर रहे होंगे, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हों। और आप लोगों को विशेष बधाई। मैं जब अपनी टीम से बात कर रहा था बैकएंड, तो रंजीत जी हमारी टीम के हम सदस्य हैं, वो कह रहे थे कि आप दोनों के बारे में एक अच्छी चीज़ ये है कि बहुत कम ऐसे लोग हैं जो जिनके पास वो संकलन या जिनने संकलित किया है एक तरह से। जैसे उन्होंने एक उदाहरण दिया कि गोद भराई के हमारे यहाँ पहले गीत होते थे, तो पहले तो एक रिवाज के तौर पे वो होता था, लेकिन धीरे धीरे फिर वो अलग अलग उसमें चले गए, तो कहीं दिमाग से भी लोगों के हट गए। लेकिन आप लोग जब भी मौका मिलता है वो गीत होते हैं, या मान लीजिए हरेला आ गया, जैसे हमर त्यार हरियाव घर के जो चांदनी से गीत आया था, हमने बहुत प्ले भी किया हो, तो इस तरह के तो मैं देखता रहता हूँ कि ये आपका ऑर्गेनिकली हो रहा है या फिर आप कॉन्शियस एक सोच रहे हैं कि नहीं ऐसा किया जाए। मेरा मानना है ना, लोक कलाकार तो बहुत गा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको एकेडमिकली उसे संभालना बहुत जरूरी है,
एकेडमिक रूप में हमारे पास नहीं रहेगा तो फिर हम आगे कैसे उसको करेंगे। तो एक ये भी हमारा मानना था कि हम इसको एकेडमिक तौर पर जोड़े, चाहे वो चैती परंपरा हो, उसके जो भी गीत हिट हुए हैं चैती परंपरा, वो रिसर्च के ही वजह से हुए हैं, वो पहले सुने नहीं थे और आज चैती इतना एक बहुत बड़ा मतलब उसका नाम हो गया है। दूसरा फिर हमारे जो संस्कार गीत हैं, तो क्योंकि मैं तो कुमाऊँ में रही हूँ और बचपन से मैंने वो परंपराएँ देखी हैं, तो ऐसे बहुत सारी परंपराएँ हैं जो अभी आई नहीं हैं, मतलब जिन पर हमारे गीत हुआ करते थे। जब हम छोटे बच्चे थे तो मम्मी के साथ जाते थे, जब जच्चा बच्चा कोई होता था तो मम्मी, मैं कहती थी मम्मी यहाँ पर नया गाने गाते हैं, तो क्योंकि हम मैंने सुने थे। फिर ये होता है कि साथ अगर ऐसा हो तो उनको सुनाए तो उनका ये तो बहुत सुंदर गीत है। मतलब हम ये समझते हैं कि हमारी जो परंपरा है वो स्वाभाविक रूप से आज धीरे धीरे मतलब लोग वेस्टर्नाइज हो रहे होते जा रहे हैं, क्योंकि गलती उनकी नहीं है, गलती हम लोगों की है जो हम इस फील्ड में काम कर रहे हैं। हमारा एक कर्तव्य बनता है और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको वो चीज़ दिखाएं। कि जैसे लॉकडाउन से पहले शायद हम लोग मतलब चैती होली इस तरह की चीज़ों पे काम कर रहे थे, तो लॉकडाउन में जब हमको एक बहुत अच्छी चीज़ें मिली कि हमने उन चीज़ों को, क्यों खाली थे मतलब जाना तो कहीं था नहीं, घर के अंदर बैठे हुए थे, तो हमने उस जो आप कह रहे हैं कि जच्चा बच्चा और ये जो सगुनाकर और जितनी भी चीज़ जो ज़्यादा प्रचार में आई, पहले मुझे लगता है कुछ लोग, क्योंकि हमें इसलिए मालूम है कि लोग उन्हें हमको फ़ोन करके लिरिक्स पूछते थे, चाहे गढ़वाल के भी हमने गाए कुमाऊँ के भी हमने गाए, तो लिरिक्स हमको फ़ोन करके, यार ये क्या है मतलब कैसे गाएंगे इसको बता दो, कई लोगों को हमने फ़ोन से गा के भेजा, कई लोगों को हमने जो है लिख के भेजा। तो हम ये कह रहे हैं कि जब तक हम बताएंगे नहीं उनको कि ये हमारी परंपरा है, चाहे गढ़वाल हो कुमाऊँ उत्तराखंड की बात है, तो तब तक वो कैसे पता चलेगा। बहुत सारे गीत ऐसे थे जब हमने गाया तब लोगों को पता चला अच्छा ये है, तो वो उससे मतलब काफी लोग तो बोलते थे कुमाऊं में ऐसे गाने होते ही नहीं है। हाँ, कहीं नहीं लिखा हमें, हमें कि आप तो गलत गा रहे हैं, ऐसे तो होता ही नहीं है, मतलब कि वो विलुप्त प्राय हो गई होंगी ना उनके लिए, क्योंकि चलता ही नहीं है। और आज जैसे मांगल चलने लग गए हैं, हर शादी ब्याह में बहुत सारी बुकिंग मिलती है। फिर हमने क्या किया कि यूनिवर्सिटी के तरह से इन्होंने एक हर एक क्षेत्र के जो लोग, वो जो हमारी महिलाएं, बूढ़ी जो महिलाएं हैं जिन्हें कोई नहीं जान रहा है, उनको बुला के नई पीढ़ी को सिखाया है और एक तरह से और महिलाओं को लेके काम भी कर रहे हैं। मतलब हम लोग जगह जगह शादी ब्याह में अब मांगल गीत भी करने लगे उन महिलाओं के लिए जो घर में बैठी हैं, मतलब हम नई पीढ़ी तक पहुंचा रहे हैं। हम तो हैं ही, और हमारे बाद की जो पीढ़ी है और कुछ थोड़ा हमारे जो बीच की जो पीढ़ी है उनको भी सिखा रहे हैं, और जो हमारे बाद की पीढ़ी आने वाली है छोटी जो पीढ़ी है उनको भी हम सिखा रहे हैं। तो फिर वो हम वो भी चलेगा, हम नहीं रहेंगे तो वो करेंगे, वो फिर आगे चलता रहेगा वो कार्यक्रम इस तरह से। बाकी हमारा जो बैकग्राउंड है, हम तो ये भी कहते हैं कलाकारों से कि हमारा क्लासिकल बैकग्राउंड है। एक सिंगर को हम एक वैसी बात बता रहे हैं, क्योंकि आपका ये बहुत सारे लोग इसको देख रहे हैं और बहुत सारे लोग जानना भी चाहते हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप किसी भी चीज़ को, संगीत की हम बात कर रहे हैं, तो संगीत को सीखने के लिए, गाने के लिए आप शास्त्रीय संगीत जरूर सीखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आजकल में बहुत सारे गायकों को देखते हैं, वो कंप्यूटर तो आवाज़ बना दिया, लेकिन होता है क्या कि एक सीमित तक रह जाता है, वो 6 महीने 1 साल, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। तो हम ये कह रहे हैं कि वो क्लासिकल भी ज़रूरी है, क्योंकि हम जैसा देखिए, जैसा हम जैसे चैती हमने उन लोगों से सीखा, हमारे जो गुरु रहे शिवचरण बच्चन जी, आज आप सुनते होंगे रणचड़ा, ये जो हे जीत जीत रणचड़ा जो सदैव गीत है, वो हमने रिसर्च के यूनिवर्सिटी रिसर्च के माध्यम से निकाला। चला फुलारी जो गीत है हमारे प्रोफेसर डी आर पुरोहित सर का लिखा हुआ गीत, आज देखो कितना हिट है, सब लोग उसको गाते हैं, तो अगर नहीं बनता तो कहाँ से गाते। तो उस पर रिसर्च हुआ, हम लोगों ने उसको आगे बढ़ाया, तभी तो उसको लोगों ने अपने अपने तरह से बनाया, तो हिट हो गया। कहने का मतलब हम ये बात कह रहे हैं, मतलब नाचने वाले गाने भी बनने चाहिए, वो एंजॉय में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये भी आगे बढ़ना चाहिए, दोनों चीजें होनी चाहिए, कि पीछे वाली पीढ़ी के लिए भी तैयार रहना चाहिए। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया। और ये आप दोनों का कॉम्बो भी बड़ा अच्छा है कि, और मेरे ख्याल से वैसे जैसे नौकरियों में या बाकी चीज़ों में कहते हैं ना कि एक ही तरह के प्रोफेशन में दो लोग नहीं होने चाहिए, लेकिन संगीत के मामले में मेरे ख्याल से क्योंकि रियाज व्याज हो जाता है तो नहीं, हमारी जो लड़ाई वगैरह होती है यहीं पर सॉल्व हो जाती है संगीत में, नहीं तो लड़ाई पूरी रहती है। अच्छा, तो उसमें कोई कमी नहीं है, उसमें कोई कमी नहीं है, संगीत माते खत्म हो जाती है, संगीत माते खत्म हो जाती है। अरे भाई वो मेरी तैयारी करा दो जरा, उसका वो वाला राग क्या है वाला चले, और वाला गाना कैसे गाएंगे इसको, जैसे कैसे इनका लगता है कि मैंने कुछ मतलब झगड़ा साड़ी इन्होंने कर दिया, तो ये बोलते चलो हारमोनियम निकाल के कोई राग बताओ, इस राग में क्या होता है। अच्छा, अभी मेरे को लगता है संगीत, फिर मैं हो जाता हूं। मेरा क्या होता है कि मैं जैसे मान लो कोई गाना हो, कुछ भी गाना, क्योंकि पता है ना कि, तो ऐसे गाने लग जाती हूँ, अब सुनना तो है ही वो, तो अब क्या है कभी कभी लड़ाई होती है तो कहते परसों कौन सा गाना गा रही थी वो ऐसा हुआ कि आप लोग क्योंकि साथ में कार्यक्रम बहुत करते हैं, ठीक है, दोनों ने बढ़िया गाया, तालियां पड़ी
आखिरी में आके मैडम के पास दो चार लोग आ गए, बोले मैडम आपने क्या गाया, और आपको लगा मैं भी तो यही था। नहीं 80% ऐसा ही होता है, क्योंकि ऐसा है कि मैडम का स्टेज परफॉर्मेंस भी बहुत जबरदस्त है, और हम लोग हारमोनियम लेके लगे हुए, थोड़ा शास्त्रीय उससे ज्यादा आया हूँ, मैं फोक में बहुत बाद में आया, मैं पहले तो हम क्लासिकल गाए, गजल भजन गाते थे, और जैसे आप जागरण गाया, गजल गाए, भजन गाए, तो लोग फोक में मैं बहुत बाद में आया। और इनका फोक क्या था, 25 साल मेरे से 20 साल मेरे से सीनियर है फोक में, उसमें तो वो वहां पे ही आगे हो जाती है, जहाँ पे गजल की बात होती है वहाँ पे हम आगे हो जाते हैं, तो वो ये फर्क है। तो उस दिन घर जाके आप रोटी कम खाते हैं या दो चार एक्स्ट्रा बनवाते हैं? नहीं नहीं रोटी तो वही बनाते हैं। उस दिन भी खुद ही बनाना हुआ क्या? नहीं नहीं काम बांट रखे हमने। अच्छा। और दूसरी बात यह है कि ऐसा होता है ना, जो मेरे मित्र हैं, वो परसों ही मुझे याद आई थी, एक मेरे मित्र कह रहे थे, एक बात कहता हूँ तुझसे, बुरा मत मानना, कि भाई साहब तुझसे ज्यादा अच्छा गाते। मैंने कहा मुझसे अच्छा गाते ना इसीलिए शादी करी मैंने। क्योंकि अगर मेरे से वो हो जाता, उनका यही चीज थी, तो वो तो सब मजाक की बातें होती है। फिर मैं उनसे बने, मेरी अपनी क्वालिटी है, उनकी अपनी क्वालिटी है, और हर एक सिंगर की अपनी एक क्वालिटी होती है, हर इंसान की अपनी एक क्वालिटी होती है, उसको इम्प्रूव करना चाहिए, बस ये है। तो चलो इसी बात पे मैं सोच रहा हूँ, थोड़ा सा आपकी दुखती रख पे हाथ रखते हैं, और मैडम का एक जो है बढ़िया सा गाना, जो मैं बड़ी इच्छा थी मेरी कि कभी मैं इनको लाइव सुनूं, मोहना गाना। अच्छा, हमारे यहाँ बड़ा प्ले होता है वो, बहुत ही मजा आ जाता है मेरे को। मतलब नॉर्मली ऐसा होता था ना कि बॉलीवुड गानों पे तो लोग सीटी मारते हैं या पंजाबी गानों पे, लेकिन वो ऐसा गाना हमारे यहाँ जब जब वो रेडियो पे चलता है वो ऑटोमेटिकली इतना मजा आ जाता है, बहुत अच्छा गाना है, है ना। और आपने मेरे ख्याल से रिकॉर्ड तो बाद में किया, स्टेज पे आप पहले से। हाँ, स्टेज पे मतलब जितने भी हमारे युवा जो महिला कलाकार हैं उनको बहुत बहुत गाया है। और लिखा हुआ किसका था? मेरा ही लिखा हुआ था। कंपोजिशन भी आपकी है? कंपोजिशन भी मेरी है और लिरिक्स भी मेरे हैं। वाह, तो स्टेज के लिए बहुत बढ़िया गाना है, जबरदस्त है वो, स्टेज परफॉर्मर के लिए बहुत अच्छा गाना है। मोहना 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 रटी गो, मोहना 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 रटी गो, छोरा मोहना छोरा मोहना तू बड़ी मेरो दिल अटकी गो, छोरा मोहना तू बड़ी मेरो दिल अटकी गो, मोहना 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 रटी गो, मोहना 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 रटी गो, छोरा मोहना लौटा मोहना तू बड़ी मेरो दिल अटकी गो, छोरा मन लागी जा तू मेरो पराणे, तुझे कोई बान है हायर देखड़ जाने, तू कु देख मन लागी जा तू मेरो पराणे, रति ब्याव तेरी सूरत आ मन में बसी गे, रति ब्याव तेरी सूरत आ मन में बसी गे, छोरा मोहना छोरा मोहना तू मड़ी मेरो दिल अटकी गे, छोरा और यहाँ 90% लोगों को लगता है मैडम क्या गाया, 10% कह रहे सर क्या बजाया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत जबरदस्त। तो आपका इंटरेस्ट क्या है, थोड़ा गजलों वाला और उस तरह का? मेरा सर अब मिक्स हो गया है, जब से मैं पहले तो मुझे लगता था ना, पहले तो मैं आलू था, पहले तो अब मैं मिक्स वेज हो गया। पहले तो जब भी हम सुर छेड़ते थे तो हम कुछ गजल ही सुनाते थे, मतलब अच्छा। फिर सीधा गजल पे आते थे, पर अब हमको ये लगता है कि वो ठीक है, वो एक अपनी जगह है, वो तो पूरा देश कर रहा है, हम मतलब हम ऐसा क्या करें कि लोग हमको बाद में भी याद रखें। हम गजल गा के तो लोग याद रखेंगे, कुछ दोस्त लोग याद रखते हैं कि चलिए यार वो हम तो प्रदेश सुना दे या शायर शायर सुना दे या हम तो मोहब्बत सुना दे, वो अलग बात है। लेकिन हम उत्तराखंड के लिए, क्योंकि हम ऐसे कल्चर में उस कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं कि जिससे लोग कहें यार वाकई में उत्तराखंड के कल्चर के लिए इन लोगों ने भी कुछ किया है। मतलब ये गजल वाली शैली है, इसमें पहाड़ी में बहुत है, बहुत है,
गाते हैं लोग? हाँ हाँ, पहाड़ी नहीं, गजल, पहाड़ी गजल भी है। हाँ। पहाड़ी गजल भी है, लेकिन पहाड़ी गजल खैर मैं तो घर बहुत ज़्यादा उतना नहीं गाता। हम तो क्योंकि क्लासिकल ट्रेंड से आए थे तो हम हिंदी गजलों पे ध्यान देते थे। अभी कुछ गजलें गाते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा उस पर अभी हमारी उतनी वो है नहीं, क्योंकि गजल लिखने वाले कुछ लोग हैं, मतलब मेनस्ट्रीम में नहीं है उतना। मेनस्ट्रीम में नहीं है, मतलब है कुछ, जैसे हमारे वीरान साहब हैं, उन्होंने कुछ गजलें लिखी हैं, मतलब अच्छी गजलें लिखी उन्होंने, तो चल रहा है, उस पर भी काम चल रहा है। लेकिन गजल का मतलब असली, फिर वही ध्यान में आता है कि असली गजल वो है, तो यहाँ भी बन रही है, बना रहे हैं लोग, तो अच्छी बात है, वो बनना चाहिए। तो आप दोनों का एक गीत आया था, मेरे ख्याल से वो दोनों ने ही गाया था, हमर त्यार हरियाव वाला, है ना, और वो बहुत अच्छे से, मतलब पिक्चराइज भी बड़ा अच्छा हुआ, वो शूट भी शायद वहीं का था, गरुड़ 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 हमारा घर छू घर का, अच्छा, बहुत ही बढ़िया, खेत वेत और वो जो है, आधा तो बैजनाथ का है और आधा हमारे गांव का है। अच्छा, तो गाना कैसे बना, कैसे टोलिया जी से संपर्क कैसे हुआ, क्या इन्होंने सोचा? मैंने, मैं ऐसे गा रही थी क्योंकि हमारे जी रहे जाग रहे बच रहे, मैं अपनी बेटी को हरेरा लगा रही थी, तो इन्होंने ऐसा बोला कि यार इसको गाने में रखते हैं कि हमेशा के लिए। मैंने कहा तो हमेशा होता है हमारे वहाँ, मतलब बड़ा अच्छा आशीर्वाद है कुमाऊँ का ना, कि जी रहे जाग रहे बच रहे यो दिन मांस भेटने रहे, तो अपने आप में ही संपूर्ण है ये। क्योंकि जब जिक्र हो रहा था तो उस समय हारमोनियम हाथ पे ही था। हाँ, अच्छा, हाँ। इन्होंने कहा कि इस पे गाना बनाते हैं, और मतलब उसके लिरिक्स बने नहीं थे, टोलिया जी को फोन कर दिया हमने, तो टोलिया जी को पसंद आ गया, तो फिर हमने कहा हम बना रहे हैं इस गाने को, तो उन्होंने कहा मुझे टोलिया जी ये बहुत अच्छे लगते हैं, आजकल के युवा पीढ़ी के लिए या हम सब के लिए मतलब अच्छे हैं कि वो मतलब इस तरह से पूरी मदद कर रहे हैं आने वाली जनरेशन, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं उस दौर में की आर्टिस्ट हूँ जब हम लोग दिल्ली रिकॉर्डिंग करने जाते थे, और हमारे साथ बड़ा वैसा हो जाता था कि रिकॉर्डिंग होते होते समझ में नहीं आता यहाँ से पहले दिल्ली जाओ, होता ही है आप तो, और रिस्पॉन्स करना को बताइए कि यहाँ का कलाकार पहाड़ से दिल्ली जाएगा, फिर उसको कैसे लोग मिलेंगे, क्या होगा, किस तरह से रिकॉर्ड करना, पर इस तरह से अभी टोलिया जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, फुलदेही पे भी सपोर्ट किया, फुलदेही पे भी हमको सपोर्ट किया उन्होंने, बिना मतलब वो करे हुए कि मैं करूंगा सपोर्ट। इन्होंने तो जीरे, मेरे को मतलब जी ऐसे तो हमको ही मालूम था जीरे, पर उन्होंने जीरे की ऐसा बोला कि जीरे जागीरे, तो मेरे हाथ में हारमोनियम था उस समय, तो मैंने सीधा वो एक फर्स्ट मतलब पहले बार में वो धुन बनी, जरा हो जाए बहुत ज्यादा नहीं किया मैंने, बहुत बढ़िया। जी रहे जागी रहे बची रहे यो दिन वार भेटने रहे, जी रहे जागी रहे बची रहे यो दिन वार भेटने रहे, शावे जे बूदे शो जे तराण धरती जे चौड़ है जे आसमान जे धरती हरी भरी हो चुकी है क्योंकि हमारा प्यारा त्योहार हरेला आ गया है। तो ये कहने की कोशिश हो रही, कवि ये कहना चाह रहा है, और क्योंकि हरेला देखो हमारे वहाँ पहले से ही हरेले के दिन कहते थे ना कि जो भी पौधा लगाओगे वो उग जाता है, तो अपने आप में उत्तराखंड का सबसे अच्छा त्योहार है हरेला, क्योंकि उस दिन हम प्रकृति के प्रति समर्पित होते हैं।
एक हरेला और दूसरा फूलदेई। फूलदेई मैं हमेशा कहता हूँ दूसरे की दहली पे फूल रखने से बेहतर क्या हो सकता है। और उसमें भी प्रार्थना हम दूसरे के उसके लिए कर रहे हैं ना, दैनी द्वार भर भगाई, हमेशा द्वार जो है दैना मतलब दैनी रहे, मतलब भरा भूरा रहे और हमारा जो है। तो हमने उस पर गढ़वाल पे भी, गढ़वाल के गीतों को भी किया है और कुमाऊं पे भी किया है। अच्छा, दोनों पे हमने किया है, मतलब गढ़वाल पे भी किया और कुमाऊं पे भी किया, दोनों गीत बनाए हमने। अच्छा, किस तरह का है, थोड़ा एक एक लाइन सदी, मतलब एक सुना था सदी अपने। हाँ, वो तो चैती है। एक तो ये हमने बनाया था उस पे, जो गढ़वाल का जो हमने बनाया था उस पे हमने वीडियो में पूरी परंपरा भी दिखाई, कहाँ कैसे बच्चे लाइन में बैठ के भात खाते थे गढ़वाल वाले, क्योंकि थोड़ा डिफरेंसेस है दोनों में, लेकिन मनाते दोनों जगह मनाते है। दोनों जगह सेम ही है। वो बिटोली वाला जो हमारे यहाँ भाई बहन के, वो यहाँ भी था, यहाँ आला उसको कहते हैं, आला लेकर जाता जाता था भाई, और वहाँ तो बिटोली, तो हमारे वहाँ तो गीत भी बहुत सारे हमारे बिटोली पे है। एक हमने बनाया था काफी अच्छा, उसको मैंने एगे फूलारी संग्रांद हे गोविंद फूल ले लो, एगे फूलारी संग्रांद हे गोविंद फूल ले लो, एगे फूलारी संग्रांद हे गोविंद फूल ले लो। ओ बजे ढोल की बड़ाई, ओ बजे ढोल की बड़ाई, गोविंद फूल ले लो, एगे चैत को बैसारो, गोविंद फूल ले लो, एगे चैत को बैसारो, गोविंद फूल ले लो। ये इस तरह से एक गीत बना था, काफी लंबा गीत है। हाँ, ये वाला गाना उत्तराखंड जो गवर्नमेंट हमारे टूरिस्ट था, उनने भी गाने को बड़ा अच्छा पसंद किया, तो उन्होंने फिर इसको अपने उससे भी मतलब उसको इसको चलाया। अच्छा, इसमें गाना तो खैर कंपोज गीत है, मतलब ये पारंपरिक गीत नहीं, कंपोज गीत है ये, मतलब हमारे डी आर प्रोड्यूसर एक बड़ा उत्तराखंड का नाम है आप सभी जानते हैं, तो उन्होंने इसको लिखा है, मैंने इसको कंपोज किया। लेकिन जो इसकी वीडियो में जो वीडियो बनाया गया है इसका, वो प्रॉपर गाँव में जाके बनाया गया है और प्रॉपर परंपराओं को उसमें दिखाया गया है इस गीत में। और एक इसी में एक गीत और भी है जो उन्होंने एक और गीत लिखा है, ये भी हमारे डीआर साहब का गीत लिखा हुआ है, आप सभी लोग इसको जानते हैं। चला फुलारी फूलों को सौदा सौदा फूल बिराला, चला फुलारी फूलों को सौदा सौदा फूल बिराला, मारू का जूता फूल न लाया, मोरों का जूठा फूल न तोड़ा, मारू का जूठा फूल न लाया, मोरों का जूठा फूल न तोड़ा, फूल चढ़ाला माता ते फूल चढ़ाला होगा ते, चला फुलारी फूलों को पूरा पतिसा का कांटों माँ, चला फुलारी फूलों को पूरा पतिसा का कांटों माँ, घाम उग गे घाम उग गे घाम उग गे डाड़ियों माँ, घाम उग गे घाम उग गे घाम उग गे डाड़ियों माँ, दे दे माई दाल चौल कासा भड़ू को फल फर भार, दे दे माई दाल चौल कासा भड़ू को फल फर भार, फेरे आवा फेरे आवा कुल गेरार, फेरे आवा फेरे आवा कुल गेरार, चला पुलारी बोलों को पूरा पुदिसा का काटो मा, इस तरह के गीत हैं।
आपने देखा, आपने हाँ। भी तो फूल दही डाले होंगे बचपन में हाँ। डबल मिलने भाई तो बस वही है कि सुबह सुबह आए कितना अच्छे उसके लिरिक्स हैं, कितने सुंदर लिरिक्स हैं ना कि भाई वो भावों का चुगा हुआ जो हुआ है वो झूठा फूल मत लाना, फूल माता को चढ़ाना, घोगा माता जो बनती है उसको भी फूल चढ़ाना। और फिर वो कह रहा है कि जल्दी उठो, मतलब सुबह धूप आ गई है घाम। जब बच्चा सर छोटा होता है ना तब कहते हैं ना अच्छी करता है, तो उसके लिए भी बोलते हैं कि मतलब माता के लिए, तो वो घोगा माता मतलब वही होती है, बी माता जिसे कहते हैं ना, जो बच्चे का ध्यान रखती है। वो मेरे समझ में बाद में आया कि वो इससे रिलेट करता है करके ना। तो ये जो पुरोहित जी का लिखा हुआ था, और धुन किसकी है? ये धुन है दो इसकी अंतरा की धुन तो मैंने बनाई है, और इसकी जो अस्थाई धुन है वो हमारे राकेश भट्टी है, डॉक्टर राकेश भट्टी यहाँ धुन यूनिवर्सिटी हमारे साथ थे पहले। अच्छा, तो ये इसमें एक नाटक देरी देरी फूल करके हम प्रोफेसर डी आर पुरोहित सर ने उस नाटक को करवाया। हाँ। तो उसके बाद जब करवाए तो उस नाटक में क्या डाला जाए, क्योंकि देरी देरी फूल बच्चों को लेकर था। हाँ। तो उन्होंने फिर इस ये गीत को लिखा। हाँ। लिखा, लिखने के बाद फिर हमारे जो भट्ट साहब है उन्होंने इसकी स्थाई कंपोज अच्छा, करी। हाँ। फिर वो चले गए थे, बाद में सर ने कहा कि ये बहुत लंबा गीत है इसको कंपोज करो। हाँ। स्थाई तो ये है इसकी। हाँ। और इसकी जो अंतरा है फिर वो मैंने कंपोज करी, मतलब गीत ये मतलब कंपोज गीत है, ये भी कंपोज गीत है। तो ये बाद में जो ईशान वगैरह ने जो बनाया फिर उसमें नेगी जी के लिरिक्स डाले, उन्होंने स्टार्टिंग की दो लाइन ली है चला फुलारी फूलों का, ओनली दो लाइन, और उसके बाद नेगी जी का जो गाना है हे जी सारियों में वो उन्होंने उसमें डाल के उसका एक वीडियो बनाया, लेकिन पूरा गीत जो है ये काफी लंबा गीत है। काफी लंबा गीत है। तो फूलदेह की बात हो रही थी, भिटौली की बात हुई, और भिटौली चैती एक तरह से चैत का महीना ही है कि भिटौली आ गई है, और वो चैती को लेके कुछ अगर सुनाना चाहें। हाँ, चैती का सर ऐसा है कि हमारे शुरुआत में जब हमने मतलब मैंने जब शुरुआत में अच्छी तरह से फोक को समझा वो एक तो मतलब इग्नोली जो ये हमारी गायकी है कुमाऊं की बहुत अच्छी गायकी, और दूसरा जो सबसे ज्यादा प्रभावित तो मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ वो मैं जो गढ़वाल की जो चैती परंपरा थी, औजी परंपरा थी, ढोली परंपरा थी। हाँ। उनके जो गीत होते थे बेड़ा लोगों के गीत। हाँ। मुझे बहुत ही मतलब वो जी बहुत अच्छे लगे, तो उनके एक दो गीत हमने जैसे बताया कि रिसर्च करके उनसे सीखा और उसके बाद लोगों तक वो पहुंचाया जी। काफी लोगों ने उसको पसंद किया जी। आप कहें तो दो लाइन उसकी उसके सुना सकते हैं बिल्कुल, और हम अधिकतर जहां भी हम कहीं प्रोग्राम में जाते हैं तो इस गीत की डिमांड हमसे जरूर होती है, क्योंकि गीत ही थोड़ा सा मार्मिक टाइप का गीत है, सदैव की कहानी है और बहुत बड़ी लंबी कहानी है, हम कभी गीत पे आते हैं जी। और इतनी अच्छी कंपोजिशन है देखिए, मतलब हमारे ट्रेडिशनल है, राधा खंडी विदा भी कहते हैं इसको, बहुत सुंदर कंपोजिशन है। आप मतलब अलग सी चीजें हैं ये पूरा ट्रेडिशन है। इसमें ये धुन भी उन्हीं की है, ये लिरिक्स भी हमारे स्वर्गीय शिवचरण भजन देव बेड़ा गायकी के, मतलब उन्हीं की पीढ़ी दर चल रहा होगा, पीढ़ी दर है, लेकिन ये उन्हीं का है, सब कुछ उनका है, हमारा इसमें कुछ नहीं है। हमने सिर्फ ये किया था कि इसको जब उनसे सीखा तो क्योंकि जिस समय वो लोग गाया करते थे उस समय ये ढोलक तबला और इन तरह का बहुत कम था, तो वो अपनी गायकी करते थे, तो हमने क्या किया इसको थोड़ा तालबद्ध कर दिया, तालबद्ध थोड़ा सा अपने हिसाब से इसको तालबद्ध कर दिया। हे जीत रंचड़ा थिन रे चीलित हरि हे राम जनारचि सकल संसार बे हो जनरची चंदरा सूरा
खासियत ये थी कि जो बेड़ा लोग थे पहले मेल इसको उठाता था और उसके बाद फीमेल इसमें जुड़ के फिर मेल आ जाता था। तो ऐसे करते करते ये एक डेढ़ घंटे का गीत है। अच्छा। इसमें पूरी कहानी है चंद्र सूरज उस पर लगातार पूरी मतलब सदी भाई बहन की पूरी कहानी है। बढ़िया बहुत ही बड़ा अच्छा गीत लगता है ना जब ग्रामीण परिवेश में हम जाके गाते हैं तो लोग जो है और स्पेशली वही होता है ना कि वो जोड़ लगाने से क्या होता है सब इंगेज हो जाते हैं। हाँ इंगेज हो जाते हैं वो प्रश्न उत्तर वाला जो हाँ, रहता है ना हो जाता है। फिर वो मोनोटोनस नहीं होता है तो धुनिक जैसी है तो जब मेल फीमेल गाएंगे थोड़ा अलग हो जाएगा। बढ़िया तो बच्चों की बात आ रही थी तो मैं सोच रहा था तो ये क्या सुनाएंगे इनसे क्या फरमाइश आती है का इनके लिए क्या सुनाओगे इनसे फरमाइश आती है सुवर सुवर संस्कार गीत है और पहले ही संस्कार गीत इन्होंने शुरुआत करी है भी अच्छी बात है। संस्कार गीत से शुरुआत करी नैतिक शिक्षा ठीक हो रही है नैतिक शिक्षा ठीक हो रही है तो आप लोगों के लिए संस्कार गीत जो मांगलिक कार्यों में मतलब सवाल पथाई और उसमें गाए जाते हैं और ये बढ़िया बात है कि छोटे छोटे बच्चे जब इनको गाएंगे तो इनकी उम्र के जैसे क्या होता है ना छोटे बच्चे शैतानी करते हैं तो यूट्यूब पे तो बाकी बच्चे भी वैसा ही सीखते हैं तो क्या बताएं इनकी उम्र के कुछ इनको देख के कहें यार हमको भी सिखा दो ये तो प्लीज सुनिए आगे का आप दोनों सुना दो यार सुभद्रा देही नाच बताता है कि कितनी समृद्ध परंपरा और सभ्यता से हम आते हैं जहां सोचे कि घर में मांगलिक काम हो रहे हो और उसमें कहा जा रहा हो कि एकदम सुभद्रा और हस्तिनापुर का जिक्र हो रहा हो बेटियों को निमंत्रण देना है ना इसमें फिर क्या होता है जिस परिवार के मांगलिक कार्य होते हैं उसकी बेटियों के नाम ले जाते हैं जैसे मान लो देहरादून में रहती है तो वो सब फिर ऐड हो जाता है मतलब जिसके घर में जैसे बच्चे होंगे उस हिसाब से ऐड है और इसकी एक अंतरा और है बहुत जो अच्छी है वो लोग गाते नहीं है उसके अगले अगवाड़ी पछले पीछे आ जाएगा इस बात पर क्योंकि उसके भाव को मैं समझ रही हूँ कि आप सोचिए
मतलब बेटी का कितना महत्व है हमारे जो कार्यक्रम है, मतलब जो हमारे जो मांगलिक कार्य जो भी हमारे कार्यक्रम होते हैं उनमें बेटियों का कितना महत्व है कि बेटी हंसते हंसते हमारे मायके, क्योंकि बेटियां ही जो है शोभा होती है घर के काम काज की ना। तो गांव में भी लोग देखने आते कि फला की बेटी कैसी है, क्या है, चलो इसी बहाने मुलाकात हो जाती है। तो मतलब उसे मतलब कि आ और हमारे आंगन की शोभा बढ़ा जा, ये उससे कहा जा रहा है। क्या बात। तो भाई घर बैठे बैठे ना आप केवल आपका मनोरंजन हो रहा है बल्कि मुझे लगता है कि नॉलेज भी बढ़ रही है। और इससे बढ़िया क्या नॉलेज हो जो किताबों के अलावा आपको दी जाए मनोरंजन के साथ, क्योंकि किताब वाली सबसे डाइजेस्ट हो भी नहीं पाती ना, हो नहीं पाती। तो ये बहुत अच्छा तरीका है कि गीत संगीत के माध्यम से इस तरह की हमारी पौराणिक और पारंपरिक चीजें आप लोगों तक पहुँचाई जाए। तो ये ओहो रेडियो पर आनंदम प्रेजेंट्स गाता रहे मेरा हिल आप लोगों के लिए कार्यक्रम चलता है हर शनिवार को। कैसा लग रहा है जरा कमेंट करके आप लोग जरूर से बताइएगा, फिर आपके लिए मिठाई भिजवाएंगे अच्छा कमेंट करने वाले के लिए। और अब तो नमकीन भी आ गई है, श्रीनगर ये लेके जाएंगे, बाकी आगे पहाड़ों तक हम पहुंचा ही देंगे। हाँ जी। तो थैंक यू बच्चों, जबरदस्त। तो इनका कैसे मतलब आप लोगों ने कैसे पकड़ा इनका रुझान वगैरह, या इन्होंने बोला क्या, मतलब क्या हुआ? नहीं, अब वो था कि हमको बैठते हुए मतलब देखा कुछ कर रहे हैं कभी, जब छोटे से तो ऐसे करके गोई लगा, जैसे कहते हैं ना हम तो गोई कहेंगे, बस तो हमें आता नहीं हिंदी में, गोई लगा के ऐसे आते थे। तो हम जब बजाते थे तो ऐसे आके बैठ जाते थे दोनों पास में। तो वो क्या है ना, ये एक संगीत का एक वाइब्रेशन है, मतलब जैसे आपके घर में अगर रोज हारमोनियम तबला बज रहा है तो वो एक इतना उसका वाइब्रेशन इतना वो होता है कि बच्चों के, वो छोटे बच्चों के ऑटोमेटिक वो चले जाता है। कई लोगों के हमने हमारे गुरु लोग और भी उनके घर पे हमने देखा कि हम हारमोनियम बजा रहे हैं, हम तानपुरा चला के रखा है हमने, हम तबला बजा रहे हैं, हमको सुन रहे हैं, तो वो वाइब्रेशन उनके अंदर चले जाता है धीरे धीरे, फिर वो हारमोन में चले जाता है। तो उसके बाद फिर वो अपना आप ही स्वतः ही थोड़ा बहुत इधर की तरफ आकर्षित होता है, ऐसा मतलब मेरे को महसूस हुआ इस तरह से। और आपके हार्मोन कहाँ से आए? आप दोनों के कैसे मतलब कुछ मेरी तो फैमिली में ही म्यूजिक था। अच्छा, म्यूजिक। मेरा क्या कहते हैं परिवार में म्यूजिक, दादी हमारे घर में रोज शाम को कीर्तन होते थे। अच्छा। तो ऐसे ही चला, मतलब हमारे परिवार में दादी थी, पापा थे, मम्मी भी मेरी गाने वाली आई, मम्मी तो मुझसे बहुत अच्छा गाती है, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया है, और फिर भाई लोग। तो मेरी तो शुरुआत ही, मतलब जब मैं पांचवी पढ़ती थी शायद अपनी बेटी के बराबर 9 साल की थी, तो मैंने लक्ष्मण का पार्ट खेला, मैं सीता की सखी बनने गई थी और लक्ष्मण गा नहीं पा रहा था तो मैंने गाया, तो वहाँ से मेरी शुरुआत हो गई। और उन्होंने कहा कि यार लक्ष्मण तो इसे ही बनाओ, ये गाएगी। और उसके बाद पूरा जैसे नहीं होता कि पहली महिला पात्र बनी गाँव की, और फिर अच्छा भी खेला, तो उसमें लक्ष्मण बनने से मेरा वो हो गया, मतलब ये सब हुआ। फिर वहाँ पर जो सर आए थे ना, उन्होंने कहा कि बेटा म्यूजिक सीखना, तो दिमाग में ये आ गया कि म्यूजिक सीखना है। तो वहाँ से फिर भैया से बोला कि मुझे म्यूजिक सीखना, म्यूजिक सीखना है। मतलब मेरी पूरी फैमिली में ही सारे लोग गाते हैं, सारे लोग, मेरे बुआ लोग, मेरे पापा लोग, मेरे बुआ के बच्चे, सबने अलग अलग कैरियर मैंने बनाया उसमें, लेकिन ये है कि गाते। तो जब शादी वादी का वो हो रहा था, इनका ऑडिशन तो नहीं लिया पहले सबने बैठा के, बोले पहले एक एक गाना सबकी फरमाइश का सुनाओ? ये तो उन्होंने कहा कि दीदी, उनको लगता है ना, सबको परिवार को लगता है कि हमारे वाला ज्यादा पक्ष मजबूत है, दूसरे वाला कमजोर है। पर ये है कि और आपके कैसे पहुंचा म्यूजिक? नहीं, मेरा ऐसा था कि मैं तो बचपन से ऐसे ही, मतलब वैसे बरबली जैसे दोस्तों में गाते हैं हम लोग, दोस्त ने कुछ गा दिया हमने तो अरे वाह वाह क्या बात है, तो क्या बात है, तो वैसे वैसे करके गाए। लेकिन जब मैं पॉलिटेक्निक में 8 में से 6 विषय में फेल हुआ, तो उसके बाद मेरे समझ में ये आया कि वाकई में मतलब ये लाइन तेरे लिए बनी नहीं है, क्योंकि वाकई में मैं घर की जबरदस्ती कि चलो पॉलिटेक्निक करो, कि बेटा पॉलिटेक्निक में निकला है, पिताजी ने मिठाई बांटी थी, अब बताते हैं ना। और मैं कि अब मेरा बेटा पॉलिटेक्निक में निकला है, निकलना दो ही निकले थे श्रीनगर से, तो मिठाई वगैरह तो कम लोग निकलते थे, बांटी गई सब कुछ। और उसमें क्या भरा था आपने पॉलिटेक्निक में? मैंने ट्रेड क्या था? ट्रेड मेरा मैकेनिकल प्रोडक्शन था। अच्छा। हाँ। लेकिन आज की डेट में मतलब चूज भी ऐसा करा आपने, कोई HM कर लेते तो फिर भी। लेकिन आज की डेट में ऐसा 10% तो मेरे को आता है पॉलिटेक्निक, आप कुछ बनवा लो मुझसे, 10% अच्छा बना दूंगा मैं, बाकी 90% दो सब्जेक्ट में पास हुआ आदमी 10% की गारंटी दे दे रहा, मतलब खतरनाक बात है। तो मिठाई बांटी और फिर जब लौट के आए तो फिर बेचारे क्या करते पिताजी? फिर भी मिठाई बांटी, फिर भी मिठाई खाई, पर ठीक है चलो अच्छा लगा। फिर वहां से मतलब फिर हमारे कुछ दोस्त लोग आए तो उन्होंने बोला कि ये गाना वाना अच्छी बात है, मतलब गाना तो ठीक है आप गाना गाते रहते हो, लेकिन इसको ना एक एकेडमिक ग्रुप में चले जाओ, क्योंकि कल को भाई जॉब सभी चाहते हैं कि भाई जॉब मिले, ये मिले वो मिले। तो ठीक है, वो प्रोफेशनलिज्म चलता रहा अपना, गाते रहे थोड़ा बहुत अपना करते रहे, और ये भी अपना
पढ़ाई में भी मतलब करते रहे। मेरा भाग्य अच्छा रहा हमेशा म्यूजिक के मामले में, हमेशा ऐसा रहा। जैसे मैं फिफ्थ में नहीं सखी बनने गई तो लक्ष्मण बन गई, वहाँ पर सर मिले तो उन्होंने कहा भातखंडे ज्वाइन करना सर। भातखंडे में जो सर थे उन्होंने मुझे बनारस भेजना था कि उन्हें लगता था कि फोक सिंगिंग तो गानी नहीं है। फिर स्कूल में एक इवेंट हुआ, वहाँ पर आकाशवाणी के कोई सर आए तो उन्होंने मेरा मतलब नहीं होता। और फिर बीए में म्यूजिक था ही नहीं, जिस साल मैंने इंटर किया बीए में म्यूजिक आ गई। और ऐसे ही एमए करते हुए मतलब मेरा एकेडमिक भी चलता रहा, साथ साथ चलता रहा, और मैं कभी खाली नहीं बैठी। मेरी सारी एजुकेशन म्यूजिक की वजह से हुई, मैं प्रोग्राम करती थी उसी से मैंने पढ़ाई करी, तो मेरा तो ऐसे काम चलता रहा। तो मेरे को कभी मतलब ऐसा नहीं लगा कि म्यूजिक ईश्वर ने मुझे ये कला दी और मैं आगे उसे कभी कभी सोचती हूँ अब छोड़ देती हूँ, क्योंकि अब सोचती हूँ बच्चे हो जाते हैं। हाँ तो ऐसा ही फिर तो पी गा रहा है नहीं, फिर ऐसा होता है कि फिर कोई ऐसा आ जाता है कि लता जी आपको आना है, तो तब फिर नहीं, फिर मैंने कहा ईश्वर कुछ चाह रहा मेरे से, कुछ करवाना चाह रहा है, मतलब जितना मैं हो सकता है दे सकूं, ये रहा मेरा। तो बड़े मंचों पे जाना है। नहीं मैं फर्स्ट उत्तराखंड आइडल हूँ 2006, मैंने बहुत अचीव किया है इसमें लाइन में ना। फर्स्ट उत्तराखंड आइडल मैंने मतलब अगर उत्तराखंड के आइडल का है तो 2006 में विनर रही मैं, दिल्ली ने करवाया था। और स्कॉलरशिप मैंने ली, मतलब उत्तराखंड के बहुत कम लोगों को मिलती है। उसके बाद मतलब मैं जॉब भी 2006 में एमए किया और 2006 में मैं यूनिवर्सिटी पढ़ाने लग गई थी। फिर 2008 में मैंने श्रीनगर आ गई, अब वही हूँ फिलहाल अभी तो। तब नहीं नहीं बढ़िया। तो ये छोड़ने का क्यों सोच रहे हैं अभी तो? नहीं मतलब ऐसे जब मैं सोचती हूँ ना सर फैमिली के साथ ना सर, तो ऐसा तो नहीं है छोड़ना तो नहीं है, पर ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि उनको ऐसा लगता है कि बच्चे और ये सब चीजें जॉब स्कूल में जो है तमाम तरह की चीजें एक्स्ट्रा चीजें दे जाते हैं उनको, म्यूजिक से तो ऐसा कोई है नहीं, स्कूल को तो जॉब है वो तो एक प्रकार से। तो जैसे हम लोगों का जॉब है तो हमारा प्रॉपर वही है थिएटर म्यूजिक आर्ट यही सब। और स्कूल में क्या पढ़ाते हैं? वैसे तो म्यूजिक ही पढ़ाती हूँ, पर क्योंकि सरकारी सिस्टम कुछ अलग है ना, विषय कुछ पूरे के, म्यूजिक के हालात बहुत खराब है। भले ही मेरे स्कूल के बच्चे बहुत अचीव करते हैं, बहुत स्कूल ने भी मेरा बहुत अचीव कर रखा है, बल्कि पता नहीं मैं कहूँ ना कहूँ अभी, मतलब मेरे गीतों के जरिए 51,000 की धनराशि भी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने ऐसी कंपोजिशन में दी थी गंगा गीत को। इस तरह से स्कूल ने मुझे बहुत कुछ अचीव करा, लेकिन ऐसा है कि फिर भी सर बहुत थकान लग जाती है, बच्चे छोटे हैं उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है, तो ऐसे इस वजह से मुझे लगता है थोड़ा सा अपना रियाज तो मैं रखूंगी, पर ऐसा लगता है ना कि इधर उधर जाने में बहुत डिस्टर्ब हो जाता है बच्चों का, इसलिए मतलब महिलाओं के लिए थोड़ा सा कठिन तो है दौर ऐसा। तो वैसे पढ़ाने में आपका मन लगता है? हाँ हाँ, हाँ हाँ बहुत अच्छा, मेरे बच्चे अच्छे हैं, मतलब स्कूल के भी उन्हें भी बहुत प्रेरित, उन्हें भी अच्छा लगता है कि हमारी मैडम अच्छा ऐसा लगता है, जानने वाले लोग जानते हैं, पूछते हैं मार्केट में कि अच्छा लता मैं आपकी टीचर, तो उन्हें भी अच्छा लगता है। बच्चे मेरे स्टेट लेवल में परफॉर्म करते हैं। बहुत बढ़िया। तो ये बातचीत आप लोगों के साथ बड़ी अच्छी रही आज के इस प्रोग्राम में। आखिरी गीत क्या आप लोग दोनों लोग साथ में सुनाना चाहें? छपेली वो आ जाएगा वो। न्योली से शुरुआत करते हैं। पारा Thank you.
चिंता ना घट गुलो बाना रे दुनिया द्विरंगी हगे बखत बेमाना अब दुनिया द्विरंगी हगे बखत बेमाना यमुने ले नाना कुनी सुनो छा कि ये सर से तो मना कर दी हे मुने ले नाना कुनी हे लोडा शेरुवा पधाना आंगू बल साना हे पान पलूली चकोरा तीले दार बोला हे लोडा शेरुवा पधाना तीले दार बोला हे पान पलूली चकोरा तीले दार बोला हे लोडा शेरुवा पधाना तीले दार बोला घर बैठे कॉन्सर्ट मिल रहा है और क्या चाहिए गाता रहे मेरा हिल का ये प्रोग्राम और वाकई में मतलब गजब ही कर दे रहे हैं तो है? ये रामलीला की वैसे क्या वो मतलब वो जो नहीं भाव शायद नहीं नहीं बहुत बहुत कम लोगों में होता है ना देखो बहुत कम ठीक हो गया मतलब बज रहा है गा तो आदमी देता है स्टेज परफॉर्मर का एक अलग वो अंदाज एक होना चाहिए वो अलग है इनके अंदर वो यही जा रहा है वो 80% इसीलिए 80% ही जा रहा है आप क्या उसी में रह जा रहे हैं कि इधर उधर ना हो जाए बहुत बढ़िया स्टेज परफॉर्म मैं क्या सोच रहा हूँ ना एक इनकी गजल करवा देते हैं नहीं तो अभी संतुष्ट हो जाएंगे एक हिंदी गजल ही कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे यहाँ बहुत लोग सूफी उफी गा के जाते हैं कोई आपकी प्रिय गजल जो शादी से पहले कॉलेज में यारों के साथ शाम को शनिवार या इतवार को हाँ उससे आप पहाड़ी से खत्म करते हैं इसको वो पहाड़ी राग भी है अच्छा हाँ तो कॉलेज के दिनों में तो आप भी मतलब दोस्तों के वो रहते होंगे मतलब फेवरेट टाइप के हाँ, मतलब संगीत मेरी वैसे वो भी पढ़ाई में खत्म हो गई तो मेरे साथ ही बैठ रहे थे कि भाई कभी ये सुना दे कभी वो सुना दे ये गजल है मतलब एक पहाड़ी जैसे हमारे पहाड़ी गीत हैं पहाड़ी धुन है तो पहाड़ी राग भी है तो बहुत ज़्यादा राग में नहीं जाएंगे सीधे हम गजल पे आते हैं राग के पहाड़ी राग का एक स्वरूप मैं आपको बता देता हूँ हम तो हैं परदेस
बड़ा अच्छा इसका अंतिम जो शेर है, वैसे बहुत सारे शेर है, बड़ा अच्छा शेर है। गजल तो सुनने वाली बात है, गहराई वाली बात है। चाँद बिना हर दिन यूं बीता जैसे युग बीते, हो जैसे युग बीते, मेरे बिना किस हाल में होगा, मेरे बिना किस हाल में होगा, कैसा होगा चाँद हो, हम तो हैं धन्यवाद। इससे मिलता जुलता एक वो है ना वडाली का, तू माने ना, माने ना, ना। वो थोड़ा सा वो थोड़ा सा थोड़ा सा डिफरेंट है। मौसम आएंगे जाएंगे उसी राग पे चलता है, तो कुछ गीत ऐसे हैं जो उस पर अर्ध गिर्द घूमते रहते हैं पहाड़ी पे, लेकिन अच्छी धुन होने के कारण इसलिए इसको जो है अधिकतर लोगों ने, अधिकतर म्यूजिक डायरेक्टर्स ने अपनाया है इस राग को, उसमें गीत बनाए गए हैं। वाह, बहुत सारे गीत हैं पहाड़ी की, तो लगभग सब इसी में। तो ये वाला भी तो आपका बहुत ही बढ़िया है, इसको क्यों नहीं आप और एक्सप्लोर करते थोड़ा? हाँ नहीं, अब ये एक तो वैसे करते हैं वो प्रोग्राम, मैं करता हूँ, जो लोग जानते हैं बुलाते हैं ना, हाँ, वो अंदर उसमें होते हैं, फिर ओपन ज्यादा नहीं होते वो लोग, बड़े उनकी महफिल दूसरी टाइप की होती है, लेकिन मैं कह रहा हूँ उसके कदरदान कम ही होते हैं। सर समझने वाली बात है, आजकल थोड़ा सा उस तरह के लोग, ये इसमें गहराई है, इसमें जो लोग सुनने वाले होते हैं वो भी बहुत डीप होते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि चांद बिना हर दिन ऐसा युग जैसे युग बीते, मतलब तो वो सोच की बात है ना, मेरे बिना किस हाल में होगा, कैसा होगा चांद, ये भी तो है ना, तो मौसम आएंगे जाएंगे हम तुमको भूल ना पाएंगे, ये तो गीत है ना, मौसम आएंगे जाएंगे हम तुमको भूल ना पाएंगे, तो इस तरह के गीत उन्होंने बनाए। ये सुनिए एक लाइन, अब तो सुनना ही पड़ेगा। नहीं नहीं बिल्कुल। मौसम आएंगे जाएंगे, मौसम आएंगे जाएंगे, हम तुमको भूल न पाएंगे, मौसम आएंगे जाएंगे, ये मुझे तो क्या गा रहे हैं, मौसम आएंगे जाएंगे, इस तरह की मैं मतलब गजलों की बात हो रही है तो जब पता क्या जब वो सिचुएशन होती है ना शादी वाले टाइम पर नहीं होता, मतलब एक दूसरे से बातचीत नहीं होता, तो ऐसा लगता है जो गा रहा है वो मेरे लिए गा रहा है, जैसे अपना कोई होता है, तो ऐसा लगता है मेरे लिए होता कुछ नहीं है ऐसा। कोई किसी के लिए नहीं गाता, सब अपने लिए गा रहे होते हैं, लेकिन कल्पनाओं में ऐसा होता है कि यार मेरे लिए बोले अपना गला साफ कर रहे होते हैं और हमें लग रहा होता है हमारी बात हो रही है। एक मेरे उस दौर की एक वो गाते थे, कौन सा, एक होली गाते थे, नहीं आए बलम कहाँ अटके, है ना, तो मुझे लगता था मेरे लिए गा रहे, पर बाद में पता चला नहीं नहीं ऐसा लगता था कि मुझे जाना चाहिए, अरे नहीं आए बलम पता नहीं इन्होंने उस गाने में कितनी होली निपटा दी। तो ऐसा लगता है वो दौर ऐसा होता है। बहुत बढ़िया, तो हम आनंदम में हैं और यहाँ के लिए कहते हैं कि ये खट्टी मीठी यादों का संगम है, यहाँ हर पल में आनंदम है, क्योंकि ये कंपोजर साहब हैं। एक टास्क दे रहा हूँ आपको, अच्छा। अगर ये लाइन जो है, ये खट्टी मीठी यादों का संगम है, यहाँ हर पल में आनंदम है, आपको कंपोज करना हो, कैसे करोगे, आपके अंदाज में? ये तो आपने बहुत कठिन टास्क ना ना, अरे आपके लिए तो ये खट्टी मीठी यादों का संगम है, यहाँ हर पल आनंदम है, यहाँ हर पल
आनंदम है ये खट्टी मीठी यादों का संगम है ये खट्टी मीठी यादों का संगम है यादों का संगम है ये तो क्लासिकल बन जाएगा बहुत बढ़िया चलिए मैं फरमाई छोड़ते हुए आ गई तो हमने सोचा कि उसको भी कर डालें तिलगा तिलगा तेरी लंबी लटी टासर का फुना चढ़ाई मतलब बजूड़ी हजे टूटी जानी घुना अरे तिलगा तेरी लंबी लटी डासर का फुना हाँ गाई बजूड़ी हजे टूटी जानी घुना हे तिलगा तेरी लंबी लटी डासर का फुना हाँ गाई बजूड़ी हजे जी वाह आपकी शनिवार की शाम आबाद हो गई जिंदाबाद हो गई और कौन से कलाकार हैं जिनको आप देखना चाहते हैं जरूर से कमेंट सेक्शन में हमको बताइएगा इसी तरह हर शनिवार की रात आपसे मुलाकात होगी क्योंकि आपके दिल को ये जो हिल है इससे मिलाने की कोशिश गाता रहे मेरा हिल आप तक ये खट्टी मीठी यादों का संगम है